इंस्टाग्राम स्टोरी मेंशन बैक कैसे करें। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप लोग को इंस्टाग्राम के अंदर कोई बंदा मेंशन करता है तो आप लोग उसको मेंशन बैक कैसे कर सकते हो, ये मैं आपको आज की इस वीडियो अंदर बताने वाला हूं। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को जरा सा स्किप मत करना। जैसे गाइस आप लोग इसके मेरे को यहाँ पे मेरा फ्रेंड मेरे को यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मेंशन किया है, तो मैं इसको मेंशन बैक कैसे कर पाऊंगा ये मैं आपको आज की इस वीडियो अंदर बताने वाला हूं। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को जरा सा स्किप मत करना। लेकिन उससे पहले इतने बड़े चैनल पे न्यू पहली बार हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ताकि आपको हमारी ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कैसे आप लोग इंस्टाग्राम के अंदर किसी को भी मेंशन बैक कर सकते हो। जो भी बंदा आप लोग को इंस्टाग्राम पे मेंशन करेगा तो उसको आप लोग मेंशन बैक कैसे कर पाओगे, चलो आपको ए टू जेड अच्छे से बता देता हूं। तो गाइस देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, काफी सारे लोगों को एक प्रॉब्लम देखो मिल जाता है। आप लोग क्या करते हो, कोई भी बंदा अगर आपको इंस्टाग्राम पे मेंशन करता है, ठीक है, तो आप लोग जब उसको मेंशन बैक करने के लिए जाते हो तो आप लोग उसको मेंशन बैक नहीं कर पाते हो। तो मेंशन बैक आप लोग क्यों नहीं कर पाते हो ये भी मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी को मेंशन बैक हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो गाइस देखो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी को मेंशन बैक करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। आप लोग को जो भी बंदा मेंशन करेगा ना तो उसका चैट में आपको कुछ इस टाइप से मतलब इंस्टाग्राम पे लिख के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखा हुआ ना एड टू योर स्टोरी, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से फेस आ जाएगा जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो, और आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे योर स्टोरी में क्लिक करना है। जैसे आप लोग योर स्टोरी में कर दोगे तो आपके स्टोरी में भी ये लग जाएगा, ठीक है। लगने के बाद क्या होगा कि आप लोग उसको मेंशन बैक कुछ स्टेप से कर पाओगे, ठीक है। ये स्टेप से आप लोग क्या कर सकते हो, किसी को भी मेंशन बैक कर सकते हो। लेकिन काफी सारे लोगों को एक एरर देखो मिल जाता है। क्या एरर देखो मिलता है कि आपको कोई मेंशन करता है इंस्टाग्राम की स्टोरी पे और आप लोग जब उसको मेंशन बैक करते हो तो आपको मेंशन बैक नहीं जाता है, ठीक है। या फिर कोई बंदा आपको इंस्टाग्राम पे क्या करता है कि स्टोरी लगाता है और उसका स्टोरी आप लोग को नहीं दिखता। और देखो काफी बार ऐसा होता है कि आप लोगों को कोई बंदा मेंशन करता है, मेंशन करने के बाद जब आप लोग उसको स्टोरी बैक करने के लिए जाते हो, स्टोरी मेंशन बैक करने के लिए जाते हो, तो क्या होता है कि गाइस आप लोग इसको मेंशन बैक नहीं कर पाते हो, आपको एरर देखो मिल जाता है, ठीक है। तो देखो, अगर कोई बंदा आपको मेंशन किया होगा आपका नाम डाल करके और यहाँ पे वो क्या कर दिया होगा, चॉइस फ्रेंड में क्लिक करके वो अपना जो फ्रेंड है उसको चॉइस कर लिया होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि आप लोग उस दौर में आप लोग अपना स्टोरी के अंदर उसको मेंशन बैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। या फिर आप लोग जो अगर प्राइवेट स्टोरी होता है, ठीक है, प्राइवेट स्टोरी लगाता है तो उसको भी आप लोग क्या कर सकते हो, मेंशन बैक नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अपने दोस्त से पूछ लेना कि आप जो स्टोरी लगाए हो क्या लगाए हो, स्टोरी क्लोज फ्रेंड को लगाए हो या फिर प्राइवेट करके लगाए हो, जो भी लगाया होगा वो आप लोग उसको पूछ करके आप लोग स्टोरी मेंशन बैक कर सकते हो। अगर नॉर्मल स्टोरी लगाएगा तो उसको इजीली मेंशन बैक आप लोग कर पाओगे, ठीक है। तो गाइस देखो, जितना भी कुछ था सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो चला, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी कोई इरर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट में जो उसे पूछ लेना, ठीक है। बाकी चलो गाइस, मिलते हैं और वीडियो, तो देख लिए, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।